हाँ तो भाइयों और उनकी बहनों, मैं चल पड़ा हूँ जी। मैं क्यों चल पड़ा हूँ पता नहीं, मेरा भाई कहाँ है? अच्छा वो रहा, गाड़ी में बैठा हुआ। तो जी हाँ, आई एम ऑन माई वे टू भांगड़ फोर्ट। एंड जनाब बाहर तो आ जाओ, व्लॉग चल रहा है भाई। ओ चौधरी गेट ना खुल रहा है ऐसे भाई, ये देखना, ये देखना। अरे कहाँ है तू तेरा? कैसे आ रहे हैं? ये देखो, ये देखो। अभी यहाँ से पता नहीं कितने किलोमीटर दूर है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, हम कहीं खाने के लिए रुके हुए। अरे इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, हाँ इधर आ जा। भांगड़ फोर्ट मस्ती चालू होगी अभी वहाँ पे। मस्ती तो खैर नहीं होने वाली है, लेकिन भाई एक चीज बता रहा हूँ यार, इतना नहीं होएगा कुछ, सच बताऊँ तो। नहीं नहीं हो सकता है यार, वीडियो देखिए आप, पता नहीं। लेट्स सी भाई, वैसे मैं एकदम सुबह सुबह जा रहे हैं, शाम हो जाएगी हमें जाते आते। पता है मेरे को डर इसी बात का, जाते आते ना शाम हो जाएगी। अभी रास्ते में हम रुको थे खाने में, हमने 1.5 घंटे वेस्ट कर दिए, मेरे को इसलिए डर लगे। क्या में हम क्या हम फेमस है लोग हमें देखते हुए जा रहे हैं। अच्छा भाई क्या चल रहा, व्लॉग करते का व्लॉगर होगा, सौरभ जोशी व्लॉग हो गए। तो हेलो गाइस, कैसे हैं? अरे हट जा। तो हेलो गाइस वाले भाई, कुछ ना भूतिया मंत्र भी पढ़ेंगे, मानता है भूतिया मंत्र? हाँ ये पहले भागेगा, मेरे को पता है। ओ भाई मैं डरता नहीं भाई। हाँ ठीक है, वो तो देखेंगे। जो मर्जी चैलेंज दे, जो लिख के दे रहा हूँ, जो मर्जी, जो तू बोलेगा ना, तू बोलेगा रूम के अंदर एक दिन तक बैठना है, मैं वहाँ पर एक दिन तक बैठे रहूंगा। एक दिन का टाइम नहीं हमारे पास, तो तुझे इसे पता है ना, एक दिन का टाइम नहीं है तभी बोल रहे हैं। तो हाँ ठीक है, अब मैं चलता हूँ, बाय बाय, गुड नाइट। हाँ जी भांगड़ लिखा हुआ दिखाऊंगा अभी मैं तुम्हें, स्पेशली इस शॉट के लिए, स्पेशली इस शॉट के लिए वहां से भाग के आ रहा हूँ मैं। साइकिल वाला देख के गया भाई, यार व्लॉगिंग हो रही। भांगड़ 5 किलोमीटर इधर जाना, किला इधर इधर इधर, ये लिखा पीछे सीधा इसी रोड पे। वो नीचे नहीं हो रहा, ओके हो गया, हो गया, हो गया। भानगढ़ किला कितनी दूर है? 300 मीटर बस सीधे। इस पार होगा या इस पार होगा? सीधा ही है, लास्ट रोड वहीं तक जा रही है। भाई ये पहली ऐसी अजीब हरकत है, एक बार सबकी पटकी भाई, गेट भी ना कभी खोले। गाड़ी वाड़ी से दूर रखो, गाड़ी नहीं ले जाएंगे भैया। गए चलो भाई आगे, भांगड़ फोर्ट। भाई मैं सच बताऊं, रुको तुम्हें अभी आगे जाके बताऊंगा। भाई एंट्री गेट देख के समझ जाओ तुम। भाई यहाँ से दिख रहा है मुझे साफ साफ, अभी बस जाने वाले हम से यहाँ पे, अपने टिकट वगैरह करवा रहे हैं, फिर वहाँ जाना है। भाई मेरे हाथ कांप रहे हैं कसम से। अरे तक क्यों डर रहे हो? ओके अभी जा रहे हैं हम, हमने टिकट दिखा दी वहाँ पे, एंड मुझे सामने दिख रहा है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रुको। भाई तुम देख रहे हो, और ये पता है क्या, पूरा पहाड़ी इलाका है, मतलब हमें रास्ते में भी इतने पहाड़ दिखे हैं ना, इतने पहाड़ दिखे हैं। ये तो खैर पहाड़ नहीं है, झाड़ है। भाई वो देखो भाई, वो भाई जो चीज़ सिर्फ फोटोज में देखी है ना आज तक, वो ऐसे रियल लाइफ में, अभी मेरे को दूर से ही दिख रही है, मैं पास भी नहीं गया, फिर भी मेरे को इतना अजीब लग रहा है ना। अभी रास्ते में भी हमारे साथ इतने उल्टे पुलटे सीन हुए थे भाई, वो कार वाला सीन इन्हें बाद में आके बताएंगे, वो शूट हो गया। हाँ वो मैंने शूट किया था काफी सही टाइम पे, मैंने कैमरा चालू कर दिया था। क्यों नीचे नहीं हो रहा? ताकि तुम लोगों को एविडेंस पता लग जाए, वरना मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम बोलोगे कुछ भी बोली जा रहा है भाई तू। और अभी बैठ के आराम से बातें बताऊंगा, तुम पहले पहुंचते हो वहां पे आराम से। अरे यार भाई पूरी धूप हो रही थी, एकदम से अंधेरा सा होने लग गया, बारिश ना होने लग जाए बस, मेरे को यही डर है, पूरा बारिश वाला मौसम हो रहा है भाई। ये देखो ये सारे पुराने घर हैं, ये देखो घर होते थे ये, exactly. ये सारे खंडर बन गए, वो देखो। और तुम चिंता मत करो, मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च भी किया है भांगड़ को लेके, मेरे पास 7-8 फैक्ट्स हैं, मतलब तुम सुन के हिल जाओगे। मैं गाड़ी में सबको सुनाते हुए आ रहा था, ड्राइवर तक भाई पागल हो गया था, है ना भाई? ड्राइवर तो भाई हाँ। अभी मैं तुम्हें बिठा के सुनाऊंगा सारे, एंड
मजे लेना तुम, मजे लो मजे लो। ओ भाई वो क्या टिल्ला, अकेला ही है, कहीं पे कुछ नहीं है ना, देखियो ऊपर कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ वहीं पे है। डैम भाई वहां तक कोई गया होगा क्या लगता है तेरे को? क्या पता हमारी तरह कोई हो सनकी ना भाई, मेरे जैसा सनकी हो, मैं तो नहीं हूं सनकी। हाँ इसकी इसकी तरह होगा कोई, जा सकता है जो मर्जी करवा लो यहाँ पर भाई, पता है तुम्हें जो मर्जी। हाँ वो तो चल अभी देखेंगे आगे, तू चल तो सही। ये यहाँ से देखो गुफा, यहाँ पे जाएगा आराम से, उसके ऊपर चढ़ दे सीढ़ी। ये यहाँ पे ना कुछ छोटे छोटे ऐसे जगह हैं और इनके अंदर सीढ़ी है ऐसे, मेरे को लग रहा है रूम होंगे या तो पता नहीं, इतने सारे शॉप तो नहीं हो सकते खैर। और ऐसे बहुत है, लाइन से ही है पूरा एंड तक, तुम्हें दिख ही रहा होगा वो देखो। और इस साइड भी है, और ये मेरे को मेरा दोस्त मिल गया। नहीं भाई भाई सुन लेगा कहीं वो। गर्मी बहुत हो रही है एंड शॉप वगैरह अभी जाके खत्म हुआ है, आई मीन शॉप क्या घर था मुझे पता नहीं, मेरा जाने का बड़ा मन कर रहा था भाई जी। वही टूट रखी है, मैं वही चीज देख रहा हूँ, ये तीसरी दूसरी मंजिल तक हो गया, इसके अंदर जाए भाई एक बार भाई पता क्या, जाने का ना मन नहीं कर रहा क्योंकि इस जगह के बारे में ना उल्टी पुलटी चीजें सुनी है, तो एंट्री करना डर लगा। ये देखते अभी तक आ रहे हैं, बस पहुंचने वाले हैं सामने, हो गया वहाँ से स्टार्टिंग है, बस पहुँच ही गए। चले चले ना ना वो भाई, ये मेरे को ना रूम लग रहे हैं पहले, मेरे को भी वही लग रहे हैं। यहाँ पे भाई नामकरण वगैरह सब कर रखा लोगों ने। सीढ़ियों, अच्छा यहाँ पे भी सीढ़ी, ये किस बात की सीढ़ी है यार? ये वन सिर्फ एक फ्लोर है, ये ऊपर तक तो नहीं थी बिल्डिंग, पता नहीं भाई। भाई हालत खराब हो गया, तो किले में जाते जाते ही, किले में जाने से पहले हालत खराब कर ली, जाने के बाद पता नहीं क्या होगा, थोड़ी एनर्जी बचा के रख दी थी। ये देखो तुम, मेरे को ना मेरे को किसी चीज से इतना डर नहीं लगता, किसी पेड़ से डर नहीं। मेरा फोन लिटरली हीट होके बंद, ऑन करके दिखा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं व्लॉग कर रहा था बीच में, तुम्हें एकदम से कटे दिखेगा। ये देखो, ये मेरे साथ आज तक जिंदगी में कभी नहीं हुआ, मैंने इतनी बड़ी बड़ी वीडियो रिकॉर्डिंग की है भाई, पता नहीं किस वजह से हुआ है, लेकिन मैं पेड़ की बात कर रहा था, मुझे इन पेड़ों को बॉर्डर लगता है, जिनका भाई कैसे फंसी हुई है। पानी पिला दो भाई, अरे आ लिया भाई एंट्री में, चलो आगे देखते जरा आगे क्या है। मंदिर है एंशिएंट, मंदिर हाँ, रुक 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 देख क्या आते हैं, मतलब अभी का बनाया हुआ नहीं है पहले का है। हाँ एंशिएंट है, यहाँ से अच्छे से भी दिखेगा मेरे को लगता है। क्या लिखा हुआ है वही सिस्टम लिखा हुआ था भाई, हाँ जा सकते हैं, जूते खोल के उतार जाके दिखा के आते हैं एक बार भाई, ये क्या मेरे को इसके अंदर जाना, दिखाइयो उसके अंदर घूम करके दिखाइयो भाई, ये चीज़ है। और ऐसी बहुत सारी जगह दिखेंगी, वो देखो आगे तक, वहाँ तक जा रहे हैं, वहाँ तक शायद जाने नहीं दे रहे किसी को। और ये देख यहाँ तक चढ़ गया ना, ये यहाँ यहाँ कुछ है, ये देख जूम कर इधर, ना ना वहाँ तक कैसे जा पाएंगे तो पहाड़ में। बाकी भाई ये मंदिर भाई ये देख रहे हो, ये एंशिएंट टाइम फ्यूम देखो यार, लाइक ये ड्रेनेज सिस्टम देख, हाँ ऐसे मंदिर का पानी वगैरह निकलता होगा। हाँ हाँ होप सो, यहाँ से भी सीढ़ियाँ चढ़नेगी, वही आर्किटेक्चर देख रहा हूँ, वही चीज़ देख रहा हूँ। अब मेन फोर्ट पे भी जाके देखते हैं जरा, और मैं वहाँ पे आके तुम्हें कुछ इसके बारे में फैक्ट्स भी बताऊँगा। ओके, इसका भी फोन डेड हो गया था अभी, चल पड़ा तेरा? हाँ चल पड़ा। अबे यार कैमरा ऑन करते ही चल जा रहा है, इसका पहली बार जिंदगी में फोन हैंग हुआ है। देख अब बस हम निकल रहे हैं यहाँ से भाई, मेरे को लग रहा है यहाँ पे नहीं चल रहा हमारा फोन, अब आप आगे आके देखेंगे क्या सीन है। अभी तक मैंने सिर्फ इसे इंटरनेट पे देखा है, मैं पहली बार रियल लाइफ में देख रहा हूँ। अभी मैं तुम्हें और अच्छे से दिखाता हूँ, यहाँ पे जो एंट्री आगे खैर, मेरे को पता था भाई बाहर ही रहने देंगे, मेरे को लग रहा था तो अंदर भी जाने दे रहे हैं, ठीक है फिर वो टॉप पे जाके आएंगे एक बार। हाँ। टॉप पे बैठ के आराम से शांति से इसके बारे में बात करते हैं,
एंड मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताता हूँ जो हमारे साथ गाड़ी में हुआ था अभी। सच बताइए यहाँ आगे अलग भाई फील हो रही है ना। हाँ फोन बंद हो ही जा रहा है भाई बार बार, वो नहीं समझ आ रहा बहुत कुछ भाई। कैसी चढ़ाई है अभी, ये क्या इधर आई हो भाई, तो मेरी चढ़ा भी नहीं जा रहा। फिर तो ये चढ़ाई कैसी है, यहाँ जाएंगे आप क्योंकि मुझे बताना तुम्हें बहुत कुछ, मैंने बहुत दिखा दिया भांगड़, बस मेरे को भी कुछ बोल रही थी। ये रास्ता कहाँ को जा रहा है, यहाँ कोई गया नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा, बट हाँ आपको मैं बात बताऊँ। ओ ब्रो दिखा ये भाई, डैम ये क्या लग रहा है। अब बात आई इंसिडेंट बताने की, मैं अलग से जगह पे आ गया हूँ, आराम से यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं हवा खा रहा हूँ। एंड अब तुम्हें बताता हूँ, तो हम यहाँ पे रास्ता पूछते पूछते आ रहे थे हर किसी से, ऑब्वियसली हमें नहीं पता कहाँ पे है फोर्ट। एक तो पहले हम पता नहीं 4 किलोमीटर आगे कहीं दूर चले गए थे, है ना, वापस मुड़ के आना पड़ा। बट जैसे हम एक टपरी पे रुके, हम रास्ता ही पूछने के लिए रुके थे, हमारे शीशे डाउन ही नहीं हो रहे थे। मतलब तुम सोच रहे हो हमें गाड़ी पूरी न्यू है और बहुत सारी जगह हमने शीशे खोले हैं, बट पता नहीं यहाँ पे आते सारी पहली बार जब हमने शीशा खोला, शीशा खुल ही नहीं रहा है। लिटरली ड्राइवर मुक्के मार रहा है, तुम क्लिप दे सकते हो। और भाई तब से फटी पड़ी सारी, ड्राइवर आया नहीं हमारे साथ। ड्राइवर कह रहा था कि बहुत प्यारी जगह है, मैं भी आऊँगा घूमने, मैं भी चलूँगा। ये वाला इंसिडेंट हुआ हमारे साथ, वो बेचारा गाड़ी में ही रह गया। चलो कोई ना, अब खैर ज़बरदस्ती बेचारे को क्यों लाते, परेशान होता हो। अब ऊपर चलते हैं, मैं रास्ते में तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा इस भांगड़ के बारे में जो मैंने अभी पढ़ा है। जिनमें से एक चीज़ है कि जब हम रास्ते से आ रहे थे ना, तो जितने भी विलेज में मतलब पुराने टाइप के जितने भी घर थे, ऑब्वियसली जिन्होंने न्यू बनाया वो तो न्यूली कंस्ट्रक्ट करेंगे, बट जितने भी पुराने घर थे ना, सबके सब रूफलेस, लिटरली रूफलेस। एंड इस विलेज को, भांगड़ विलेज को, द विलेज रूफलेस विलेज करके भी बोला जाता है। तो या दैट्स अ फैक्ट, रूफलेस विलेज। तुम अगर खुद आओगे ना, तुम देखना, मेरे को भी जब मैं पढ़ रहा था मेरे को लगा पता नहीं है कैसे पॉसिबल है, बट लिटरली कोई रूफ नहीं है, तुम ऊपर चढ़ ही नहीं सकते हो, बस एक टीन लगा रखी है छत पे जो नॉर्मल घरों में होती है। एंड या भाई तुम ये देखो, ऊपर चल के अब बाकी रिकॉर्ड करते हैं, ऊपर दिखाते हैं। कोई नहीं है, कोई नहीं है। अरे रास्ता बंद है यहाँ से तो नहीं आ गया, घर आया ना देखा ना भाई। जो ऊपर जा रहे हैं जा सकते हैं, हर कोई जा रहा है, ऊपर सिद्धि है, जा रहा है कोई नहीं, आ जा देख, आ जा फिर जा, नहीं नहीं रहने दो रहने दो, फिर कोई रहने रहने भाई ऊपर ने बोला था। कोई बात नहीं भाई, भाई यही तो ठीक है, अभी ऊपर चलो भाई, ऊपर से दिखाते हो तुम्हें नज़ारा भाई, वो दिखा दे एक बार बस, वो दिखा दे तू। ये उमस देख रहे हो तुम कितनी है, ये पसीना आने का रीज़न यही है, ये जो ह्यूमिडिटी है ना। आ जाओ चिड़िया के बाद लोग ऊपर भी चढ़े हुए, हम भी चढ़ेंगे, कैसे चढ़ने यहाँ से भाई, ये देखो तुम गिरते हैं पे। मैं कितने पिद्दू पिद्दू लग रहा लोग यहाँ से, ऊपर जाने की कोई ऑफिशियल जगह नहीं है तो मैं नहीं जा रहा वहाँ से। सच बताऊँ तो मेरी फट रही है, मेरा भाई यार तो मैंने मना कर दिया उसे, क्यों रिस्क लेना भाई। बाकी यार ऐसा कुछ इतना है नहीं वहाँ पे,
तो मोस्टली खत्म हो रहा है, बाकी बहुत सारी जगह है, हम जा नहीं सकते वहाँ पे। भाई चढ़ा नहीं जाएगा हमसे, सच बताऊँ वहाँ पे मेरे को ऐसा रास्ता तो दिख रहा है। चलो कुछ भी बोल रहा हूँ मैं। तो हाँ, अब बाकी की बातें नीचे आके करते हैं, मेरे को यहाँ पे भी गर्मी लग रही है। चलो नीचे चलो भाई। तो सीढ़ी है देख रहे हैं, सारी पुरानी बनाई हुई है ब्रो, किसने कुछ नया नहीं बनाया। हर जगह माइनक्राफ्ट ही दिखता है भाई। अरे वो है लिटरली भाई, तुम कमेंट करके बताना, करो तुम्हें दिखा ही नहीं दिखा। इसके अंदर आ जा, इसके अंदर क्या है भाई? मैं जाता हूँ यार, मेरा भाई बहुत डरता है यार। डर नहीं रहा हूँ भाई, हेलो ठीक है। ये क्या है इसके अंदर? वो भाई यहाँ पे कुछ आवाज़ आ रही है, ध्यान से सुने, सुनी तुमने? ये देखो ब्रो, चमगादड़ा ब्रो, रहने मेरे, चमगादड़ा। एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें, सामने ना छेद है, उसके अंदर एक और घर, उसके अंदर एक और घर, घर के अंदर एक और घर, एकदम परफेक्टली छेद है। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ पैक पड़े हुए हैं इस भानगढ़ इलाके को लेके इन जनरल। तो बेसिकली ये एक कर्स एरिया है, एंड ये कर्स कैसे पड़ा मैं तुम्हें पूरी स्टोरी बताता हूँ। तो यहाँ पे एक गुरु हुए करते थे, ये बेसिकली पहले फोर्ट नहीं हुआ करता था। तो इस पूरे एरिया में गुरु हुए करते थे, बालूनाथ करके, गुरु बालूनाथ। एंड ये भानगढ़ बेसिकली उन गुरुओं का और उन जैसे सेजेस का ना एक मेडिटेशन स्पॉट हुआ करता था। बट यहाँ पे एक राजा ने आके, आई डोंट नो द नेम एग्जैक्टली, एंड मैं गलत भी नहीं बोलना चाहूँगा, उन राजा ने आके ये फोर्ट बनाने का प्लान किया। एंड सारे सेजेस एंड गुरु स्टार्टिंग में मना ही कर रहे थे, बिकॉज ऑब्वियसली उन्हें आपत्ति थी। बट उन्होंने थोड़ा उन्हें प्लीड किया, एंड जब सारे गुरु और सारे सेजेस बात मान गए, तो उन्होंने एक शर्त रखी, तुम ये फोर्ट तो बना लो, बट अगर इस फोर्ट की शेडो उनके ऊपर थोड़ी सी भी पड़ गई तो वो दे विल लिटरली दे विल डिस्ट्रॉय द एंटायर विलेज ऑफ भानगढ़। उनकी एक ये कंडीशन थी। एंड गेस व्हाट, ये फोर्ट बनाने के बाद ऑब्वियसली ओके, ऊपर पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहाँ छोड़ा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हम नीचे आ चुके हैं। एंड बार बार बैटरी लो, पता नहीं फ़ोन गरम, क्या क्या हो रहा था पता नहीं। मैं अब नीचे तुम्हें बाकी की स्टोरी बताता हूँ। तो यार जिन बाबा ने वो कंडीशन रखी थी कि उनके ऊपर शैडो नहीं पड़नी चाहिए, वो शैडो एक्चुअली उनके ऊपर पड़ गई थी। एंड फिर उन्होंने पूरा इंटायर जो भानगढ़ पूरा एक विलेज है था एक टाइम पे, ये फोर्ट भी काउंटेड, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया एंड सबको कर्स कर दिया। तो यार दैट्स व्हाई तब से कर्स फोर्ट, तुम कह सकते हो कर्स्ड विलेज भी कहा जाता है, विलेज का तो पता नहीं, बट यार ये फोर्ट ज़रूर कर्स्ड है। एंड एक और जो मैंने तुम्हें बताया कि भानगढ़ में जितने भी रूम हैं वो सारे रूफलेस हैं, इसको रूफलेस विलेज बोला जाता है। यहाँ पे सनसेट होते ही किसी को भी अलाउड नहीं है, ऐसा कोई एज सच टाइमिंग बाउंड नहीं है, वो 6 बजे 5 बजे जो तुम सुनते हो ना वो कहीं सुनाई बातें हैं, बट शाम ढलते ही, शाम होते ही यहाँ पे किसी को भी नहीं रखा जाता है, सबको बोल दिया जाता है भाई घर जाओ छुट्टी हो गई। एक जो फैक्ट जो मैंने इन सबको सुनाया था और इन सबकी हिल गई थी वो ये था, वो इससे एक इंसिडेंट से रिलेटेड है, इस भानगढ़ फोर्ट के एक इंसिडेंट से। तो जैसे मैंने तुम्हें भी बताया कि शाम को यहाँ पे लोगों को मतलब रहना अलाउड नहीं है, तो कुछ 3 दोस्त ट्राई कर रहे थे रात को रहने का टॉर्च वगैरह लेके, थोड़े डेयर ड्राइवल बन रहे थे वो लोग कि हम लोग रह के देखेंगे ऐसी क्या सीन है क्या बातें यहाँ पे। एंड वो लोग रहे भी, टॉर्च वगैरह थी उनके हाथ में और बाकी सामान था। उनमें से एक दोस्त लिटरली सो गया, इतनी डीप स्लीप में था कि बाकी 2 दोस्त को लगा कि इसे कुछ हो गया है, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। मतलब उन्होंने रश में एकदम फास्टी में एकदम वो गए हॉस्पिटल में, एंड उनका बीच रोड में एक्सीडेंट हो गया और उन तीनों की मौत हो गई। ये एक ऑफिशियल इंसिडेंट है जो कि तुम्हें इसके ऑफिशियल आर्टिकल्स पे भी मिल जाएगी। एंड ये तो थी कुछ छोटी मोटी फैक्ट्स, बाकी यहाँ भानगढ़ को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं थोड़े बहुत आर्टिकल्स नीचे लिंक में भी डाल दूंगा, तुम जाके पढ़ सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं भी रास्ते से पढ़ता हुआ आ रहा था, एंड अभी मेरी हालत ख़राब हो चुकी है, अब गाड़ी में चलते हैं, बहुत पसीना आ रहा है। सो यार मिलता हूँ गाड़ी में। ओके खैर गाड़ी में तो नहीं पर घर में ही सही। एंड मैं सच बताऊं तो इस वीडियो में बहुत सारी बातें मेरे को करनी थी, पर ये ब्लॉग ऑलरेडी इतना बड़ा हो गया है, तो ये इसमें बाकी की बातें किसी और वीडियो में करूंगा, मेरे क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहे थे, मुझे एक्चुअली में क्या बात करनी थी मैं नहीं कर पाऊंगा इस वीडियो में, आई नो बहुत बड़ी वीडियो होगी, बट या बस इतना जान लो कि
या इट वॉज वन ऑफ एन एक्सपीरियंस। हमें उसके बाद मेहंदीपुर बालाजी भी जाना पड़ा था। मैं तुम्हें पूरा स्टोरी टाइम में बताऊंगा अच्छे से एक वीडियो में सेपरेट में। एंड अगर तुम्हें नहीं पता मेहंदीपुर बालाजी क्या है तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बस इतना जान लो, वहाँ पे लोग मेनली अपना भूत पिशाचों से पीछा छुड़ाने के लिए जाते हैं। एंड यार मेनली जो मुझे बातें करनी थी वो मैं एक सेपरेट वीडियो में कर लूँगा। इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई होप तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। घंटी बज गई, कोई आ गया नीचे? चलो हाँ भाई, बेस्ट आउट्रो बेस्ट।